अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सर? हम अलका युक्का ठीक ठाक जी। हमारी जो थी दो शादियां हुई हैं ख़त्म, और जैसे ही दो शादी ख़त्म हुई दो और फिर स्टार्ट हो गई। एक था जी हमारे मामू के बेटे का निकाह था, और ये हम जो ढोक पी तैयारी शायरी हम लोग जा रहे हैं, जाते सार ही हम लोग जाने से पहले वो जो थी मिठाइयाँ शिठाइयाँ बटना शुरू हो गई, टोकरे शोकरे खुल गए, जो हमारे जो हैं मामू उनके बेटे का हो गया निकाह। तो ये जी हमारे जो है मामू का बेटा वो और उसकी ब्राइड बैठी हुई हैं। दूसरा जो साथ वो स्टेज तैयार हो रहा है, वो हमारी एक और कज़न है, उसका जो है उसकी बारात थी। तो उसके जो जितने फंक्शंस वगैरह थे ना, ये लोग सारे कराची से आए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो था ब्राइडल शावर माइयों मेहंदी जो इतने फंक्शंस थे ना, और शादी से पहले बारात से पहले वाले, वो सारे वहाँ पे वो करके आए हैं। और यहाँ पे जस्ट उन्होंने बारात था उनका और उलीमे का फंक्शन था। तो ये जी फंक्शंस हो रहे थे हम लोगों की नानों की ढोक पे। और ये जी पहले जो निकाह हुआ, मिठाई शिठाई हम लोगों ने खाई, फिर उसके बाद हम जो सारा ही टीम जो थी हमारे सारा टब्बर, हम लोग वहाँ से चल के हमारे अपने नानों लोगों की ढोक पे, के वहाँ पे हम लोग सारे जाते हैं, हम लोग सारे फैमिली वाले जितने थे वहाँ पे हम बैठते हैं, खाना शाना बनाते हैं और साथ खाना शाना खाते हैं। ये हम सारी जो थी गर्ल्स सारी मॉडलिंग करती करती ज़मीनों में से आ रही थी, घास और ये साग सब्जियाँ सब जगह होता है, बड़े मज़े का व्यू था। इनमें फ़ोटो शूट बड़े मज़े का होता है, ये जो सरसों का और तारामीरा का जो साग होता है उसमें इसके फूल फूल फ्रेश जो होते हैं येलो येलो फूल जी। ये हम लोग जा रही थी ये जिया शैतानियाँ करते, और ये हमारी सारी टीम जा रही है ऐसे। और उसके बाद फिर हम जैसे ही घर पहुंचे और फौरन हम लोग काम करना स्टार्ट हो गए, प्याज श्याज छीलने स्टार्ट हो गया, साथ अम्मी लोगों ने रखे चावल बनाने के लिए, और हम लोगों ने कहा कि हम लोग सारे जो हैं सैलड बनाते हैं, तो सैलड बनाना हम लोग स्टार्ट हो गए, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लोग थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारा सैलड बनाना था। पहले हम लोगों ने किचन के एरिए वहाँ वहाँ से शुरू किया, ये जी आग शाग लगी हुई है यहाँ पर, हम लोग रखते हैं सालन भी, क्योंकि जो जिन लोगों ने खाना है चावल नहीं खाने, तो उनको उनके लिए आंटियों दादियों नानियों के लिए रोटी बनाएंगे। तो ये जी सारे हमारे जो हैं जेंट्स वो बैठे हुए हैं, धूप लगा रहे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, और गर्मी और सर्दियों में और ऐसी ओपन जगह पे कभी फैमिलीज वगैरह में ऐसे फंक्शन हो जाएं तो क्या ही बात है, धूप में बैठो गप शप मारो, मिठाइयाँ शिठाइयाँ चल रही हैं। मेरा गोलू सा कज़न धूप में मिठाई खा रहा है, तो इन दिनों धूप तो काफ़ी मज़े की थी, आज बहुत मज़े की धूप थी, और हम लोगों ने सेल के गर्मी लगना शुरू हो गई। हाँ जी, हमारे जो है सैलड की जो है चीज़ें वो और आती जा रही हैं, खीरे से लेकर अब गाजर और बंद गोभी मूलियाँ, ये जी ये इन लोगों ने बच्चियों ने फूल शूल तोड़ के लाए हैं, सरसों का जो था साग शाग, मैंने कहा बेचारा वो तो तोड़ के ही ले आया, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है मज़े का साग। ओ जी अब फिर साथ हल्की फुल्की कटिंग ये छोटा छोटा कर रहे हैं, क्योंकि चावलों के ऊपर डालना है। साथ साथ हम आपको ये दिखाते हैं, साथ साथ हम आपको बाहर दिखाते हैं बाहर क्या हो रहा है सारी चीज़ें। हम लोग पहले ट्यूबवेल वाली जगह भी थी, वहाँ पे सारा कुछ हम लोग उठाया, फिर हम लोगों ने सारा कुछ गए धो के ले कर आए, और अब हम जा रहे हैं ज़मीनों में। बच्चियाँ क्योंकि जा रही हैं तो उनके पीछे जा रही हूँ कि वो लोग क्या कर रही हैं कि पता ही नहीं चलता, एक दरवाजे से निकल जाती है दूसरी दरवाजे से निकल जाती है, और अमल फातिमा को तो बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा। ये अब गाय वाली जगह पे आई हैं बेचारी, ये बैठी हुई है धूप शूप लगा रही हैं, देख रहे कितने मज़े से आराम से देख रही हैं मुझे, शुक्र से उठी नहीं है। हाँ जी ये देख बच्चों के काम है, ये फिर तोड़ के इतने सारे ले के आई हैं, और अमल फातिमा तो इतना अमल फातिमा ने अपने कपड़े गंदे कर दिए थे उसके, तो मैंने फिर साफ़ किए हल्का हल्का से पानी से, क्योंकि ठंड भी है, फिर उसको चेंज किए और फिर उसको मैंने रेड फ्रॉक पर डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग सब ने रेडी ड्रेस पहने हुई थी। और जी हमारा जो सलाद की ड्रेस और जो है वो आ गया, अब सब्ज़ मिर्ची भी आ गई है, और देख लें आप लोग हम चटाई पे कैसे हम लोगों ने काट कूट के पीछे सारा जो है कचरा वो उठा के हम लोग गाय वगैरह को डाल देंगे ना, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक सारा सामान था। ये जो हमारी चटाई बिल्कुल अब साफ़ सुथरी होगी, ये देख सकते हैं हम कितने अच्छे बच्चे हैं, और जो बच्चियां हैं वो खेल रही हैं, और देखना अमल फातिमा की उल्टे उल्टे काम किस चीज़ में बैठी हुई है और कैसे बैठी हुई है छोटे से मुंडे को उल्टा करके। और फिर हमारा खाना शाना हो गया तैयार, सबसे पहले अमल फातिमा को भूख लगी हुई थी, अमल फातिमा बैठ गई अपना फ्राक उतार के, और चावल हो गए हमारे सब्जी वाले रेडी बिल्कुल, ऊपर हम लोगों ने भर भर के डाला सैलड, और हम लोगों ने खाया पिया, और फिर हम निकल पड़े जहाँ पे नानों के घर के बिल्कुल पास ही था जहाँ पे शादी थी। हाँ जी हम आए तो बिल्कुल रेडी था स्टेज
जब पहले आए थे तो तब बन रहा था, तब बिल्कुल स्टेज हो गया है रेडी। और जो दूसरी ब्राइड थी उसका भी हो गया है निकाह। तो फिर उसके बाद फिर जब आई बारात का टाइम आया तो दुल्हन को बिठाया स्टेज पे, रश्मि शश्मी की सारी ये दुल्हन हमारी बैठी हुई थी। और फिर उसके बाद हम सारे बंदों को मिले, और उसके बाद हमें जो भी थी वो मिलना शुरू हो गई। इसमें जी थे, और फिर मैं आपको आगे खोल के दिखाती हूँ, पत्नी बनाई तो थी वीडियो। मखाने थे, एक एक खजूर थी, और तुलसी की क्या उसको कहते हैं छोटा सा पैकेट, वो उसके अंदर था। तो ये हम लोगों ने कहा कि हमारे तो दो दो बच्चे हैं, हमें तो दो दो चाहिए। फिर हम लोगों को एक मेरा और दो अमल हरीफ फातिमा का मिला। और जब हरीफ फातिमा घूम घूम के वापस आई तो मैंने उसको दिया, तो खुश हुई कि मम्मा ने मेरी चीज़ उठाई हुई है। और जी फिर हम लोगों ने ये खाई है, खोल के दिखा रही, एक टॉफी भी है वो रहेगी तो बताना, खजूर होगी। और आजकल तो इतना मीठा खा खा के, शादी से पहले हम लोगों ने डाइट शाइट की, और अब तो सारी जो डाइट है ना बस होगी। और ये जी अब हम बारात शरात ले के हम लोग चल पड़े, जो सारी आगे जा रही है बारात, गाड़ियाँ बस बड़ी कोच कराची कोच, हम लोगों की गाड़ी गाड़ियाँ सारी जा रही है लाइन कतार। और जी हम आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे, दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाय।